मानने में नहीं आती कि एक दूध फरोश से माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हसीन व जमील वो भी गाड़ियों के शोरूम की मालकन खातून फिदा हो जाए। बर्तन के अंदर, जिस बर्तन में ये दूध लेके आती थी उस बर्तन के अंदर मैंने नंबर लिखा अपना और वो डाल दिया मोबाइल नंबर। ये जो आपकी खूबसूरती है, ये जो आपको खालिद दूध पिलाया करते थे सारा, उसका कमाल है या फिर वैसे ही? नहीं, ये दूध का कमाल है। आप देख लें, दूध जो ज़्यादा पीता है शिफा भी मिलती है और स्किन जो है ग्लोइंग हो जाती है। एक टिप दे रही हूँ मैं आपके चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उस्ताद डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप जब ये वीडियो देखेंगे, जब आप बातें सुनेंगे तो आप ना सिर्फ मुस्कुराएंगे बल्कि आप इन भाई साहब की किस्मत को भी दाद देंगे कि जब किस्मत जागती है तो फिर ऐसे जागती है। ये मेरे साथ वो भाई साहब हैं जो कि दूध फरोश हैं। ये किसी घर में दूध दिया करते थे, वहाँ पर एक गाड़ियों के शोरूम की मालकन थी। बस इनकी किस्मत जागी, उन्हें इनसे प्यार हुआ या फिर इन्हें उनसे प्यार हुआ और इनकी ये बात ऐसी बड़ी कि अब वो बाकायदे तौर पर इनके घर में हर वक्त हंसती मुस्कुराती इन्हें दिखाई देती हैं। तो ये हैं जी वो खुद खुश नसीब। इनके साथ हमारी भाभी भी मौजूद हैं, तो आइए बारी बारी इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम खान। खुर्रम खान, और भाभी आपका क्या नाम है? खुर्रम खान साहब, ये बात कैसे चली? मतलब मानने में नहीं आती कि एक दूध फरोश से माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हसीन व जमील वो भी गाड़ियों के शोरूम की मालकन खातून फिदा हो जाए। असल में बात यह है कि जो मोहब्बत है ना, वो ना गाड़ियाँ देखती है, कुछ नहीं देखती, वो मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है, इनको देख के आप कहेंगे कि मोहब्बत काणी होती है, मोहब्बत बहंगी होती है, मोहब्बत लूली होती है, मोहब्बत लंगड़ी होती है। असल में मोहब्बत से ज़्यादा मुझे जुनून था, इनसे मोहब्बत का जुनून था। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं इनके घर जाता था दूध देने के लिए, तो अक्सर व बेशतर जो है ना इनकी अम्मी आती थी दूध लेने के लिए या छोटा भाई। तो एक आध दफ़ा ये आई हैं तो बस फिर मैं तो फिदा हो गया इनके ऊपर। मैंने कहा नहीं, बस शादी करनी है तो यहीं करनी है, इनसे ही करनी है, वरना करनी नहीं है। अच्छा, तो मैंने अपने वालदैन को कहा, वो मान गए थे। तो इनको मैंने आंखों आंखों में, पहले तो हमारा सिलसिला चलता रहा लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी इनसे कुछ अपना इज़हार करने की, इज़हार मोहब्बत की। तो मैंने मौके को गनीमत जाना, इस बात को 2-3 माह गुजर चुके थे। तो बर्तन के अंदर, जिस बर्तन में ये दूध लेके आती थी उस बर्तन के अंदर मैंने नंबर लिखा अपना और वो डाल दिया मोबाइल नंबर। तो ये तरीके वारदात आपने किसी मूवी में देखा था या फिर किसी दोस्त ने मशवरा दिया था कि ये टैक आजमाओ अच्छा चलेगा? असल में मैं बताया ना कि मेरे में हिम्मत नहीं थी, 2-3 माह से मैं इस बात को सोच रहा था मैं अपना किस तरह से मैं इनसे बात कर सकूं। हिम्मत तो थी नहीं बात करने की, जाहिर है। तो फिर मेरे जहन में यह आया कि ये आइडिया बेहतर रहेगा कि मैं अगर ये नंबर ले कर कॉल कर दी तो ठीक है, वरना जब मैं सुबह दूध लेने जाऊँगा और इनकी अम्मी आई या शाम को जाऊँगा तो बस इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। मैंने पहले से 2 बैलों का जो है ना सिग्नल रखा हुआ था। तो मैंने कहा था कि जब मैं 2 बैल ऐसे करूँगा तो वही आएंगी, क्योंकि वो मुझे, मैं इनको जज करना चाह रहा था इनको भी कुछ है कि नहीं। तो मैंने 2 दफ़ा बैल की तो यही आई। तो बस वाह, आप ये देखिए कि इनके शुरू में सिग्नल मिलना शुरू हो गए। हाँ जी बिल्कुल। तो जब की तो ये आ गई, तो उससे अगले दिन ही मैंने सोचा मैं नंबर दे देता हूँ, अब जो है ना मुझे इतना मसला नहीं होगा। तो वही हुआ, नंबर दिया मैंने इनको, इन्होंने अगले दिन मुझे कॉल की। कॉल करके कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ वो कान को लगाया हुआ रिसीवर। अच्छा, वो उस मोबाइल तो थे नहीं, नए नए शुरू हुए थे। आपने सर आगे से हेलो ऐसे की होगी कि वो मदहोश हो गई होंगी आपकी हेलो सुन के? मैंने एक्चुअली हेलो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया था। यहाँ पे तो बात बहुत आगे बढ़ी हुई है। अच्छा भाभी, जब इन्होंने आपको डायरेक्ट बोल दिया तो हमने तो सुना है कि बंदे के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? नहीं, दिल की धड़कन हाँ तेज़ हुई थी घर वालों के से, कि उनको भी कुछ कुछ ना होने लगी थी खबर। तो आप सही कह रहे हैं, दिल की धड़कन तो मेरी तेज़ हुई थी। चलो
मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं इनसे कुछ कह सकूं, अपने दिल की बात कर सकूं, तो बाकी अब आपको ये बताएंगी। जी तो इसी तरह मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा शक होने लगा। उसके बाद जो मेरे वाली साहब और नहीं राज़ी हो रहे थे क्योंकि ये दूध गवाले वाले, मतलब वो कह रहे थे कि गवालों के घर रिश्ता होगा, ये तो नहीं सही बात है। बहरहाल बहुत सी ऐसी बातों से गुजरना पड़ा और फिर अल्लाह अल्लाह करके जो हमारी शादी हुई और अब अल्लाह का शुक्र है हम हस्ती बस्ती ज़िंदगी है हमारी, और हमारे बच्चों का जो हम परवरिश कर रहे हैं वो भी फिर अच्छी हो रही है, क्योंकि जब वालदैन लड़ते हैं ना तो बच्चों की तरबियत नहीं अच्छी होती। अब अभी एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है सर, आप मुझे पता आप तो गुस्सा नहीं करेंगे, आप बड़े जोली से इंसान हैं, ये जो आपकी खूबसूरती है, ये जो आपको खालिस दूध पिलाया करते थे सारा, उसका कमाल है या फिर वैसे ही? नहीं, ये दूध का कमाल है, आप देख लें, दूध जो ज़्यादा पीता है शिफा भी मिलती है और स्किन जो है ग्लोइंग हो जाती है। एक टिप दे रही हूँ मैं आपके चैनल पे कि आपके कहने का मतलब है कि अब मैं 2-3 किलो इनसे ले लिया करूँ, हो सकता है कि कुछ मुझ पे असर होना शुरू हो जाए। नहीं, आप भी माशाल्लाह स्मार्ट हैंडसम है, ये आप अंदाज़ा लगाएं सर से, माशाल्लाह इन्होंने कैसी कैसी बातें करके इनको जो है वो अपना गर्विदा बनाया होगा। तो आपको उम्मीद थी कि भाभी इतने जल्दी मान जाएंगे या फिर आपका जो आई लव यू है उसको आई लव यू टू बोल देंगे? नहीं, जब मैंने आई लव यू बोला, मैंने बगैर कुछ सोचे समझे बोला, तो उस पर इन्होंने आई लव यू तो नहीं बोला, मुझे उम्मीद थी बोलेंगी, लेकिन उन्होंने आई मिस यू बोला। आई मिस यू, तो अब आप इनसे पूछें उन्होंने आई मिस यू क्यों बोला, आई लव यू क्यों नहीं बोला उस टाइम पे, बताएं आप। वो इसलिए नहीं बोला कि एकदम से मैं आई लव यू टू मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कहना, तो मैंने आई मिस यू बोल दिया। तो वाह, मतलब इन्होंने आई मिस यू बोल के इन तक अपने दिल की बात पहुँचा दी। तो उसके बाद सर आप बाकायदा तौर पर फिर कितना टाइम आपस में फ़ोन पे बातें शातें करते रहे या फिर उस वक्त ख़त का ज़माना था? नहीं नहीं, ख़त का नहीं, तो वो नंबर तो एक्सचेंज हो ही चुका था, तो अभी इतनी पुरानी बात नहीं है। आप कबूतरों वाले वक्त में चले गए, कबूतर ख़त लेके जाया करते थे कासिद बन के, ऐसी बात नहीं है, ज़माना ज़्यादा पुराना नहीं था। तो बहरहाल बहुत मुश्किल आईं, मैंने तो अपने घर में बताया, वो तो मान गए फ़ौरन, घर वो प्रपोज़ल भी लेके गए, लेकिन इनके घर वाले जैसे कि आपको पता है, बताया मैंने कि माशाल्लाह अच्छे खासे थे, गाड़ियों के शोरूम था इनका, एक नहीं दो दो तीन तीन थे, हैं बल्कि अभी भी, तो और हम भी कोई कम नहीं थे, लेकिन आपको पता है वो जितने भी होते थे फिर आपको पता है दूध वाले ही हैं, लेकिन दूध वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नाइस होते हैं, क्योंकि मैं खुद हूँ, मैं क्यों तो बुराई नहीं, आपको देख के लग रहा है कि वाकई अच्छे लोग होते हैं। तो बहुत मुश्किल से माने इन्होंने को, तो बल्कि हॉस्पिटलाइज हो गई थी ये, अब नोट कर आपकी मोहब्बत में भाई, जो वो मानते नहीं थे घर वाले, तो फिर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, खाना नहीं खाया, इनकी कॉलेज की फ्रेंड्स आ गईं, उन्होंने मनाया, मेरे रिश्तेदारों ने उनको कहा भाई आप मान जाएं, आपकी बेटी का आपकी खुश रहेगी, ये हम ज़मानत देते हैं। असल में पता क्या है, जो बेटी के वालदैन होते हैं ना, वो अपनी बेटी के लिहाज से सही सोच रहे होते हैं, इनसिक्योर होते हैं ना कि अब दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, और जो बेटों के वालदैन होते हैं वो भी तो ठीक सोच रहे होते हैं। वो भी पतरी बहू आके हमें घर से बाहर ना निकालते, अमूमन ऐसा आजकल तो होता ही है, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी हैं मेरी अम्मी के साथ भी, और मैं भी इनके घर वालों के लिए बहुत अच्छा हूँ। तो अच्छा, नहीं आप उनकी तरफ बार बार दे के क्यों कह रहे हैं, उनसे डर लगता है आपको? ये असल में पता क्या, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करता, आप देख रहे होंगे मेरी जो दाढ़ी है उसमें वाइट बाल हैं, ठीक है ना, तो ये मुझे कलर तक नहीं करने देती, अब आप पूछें क्यों नहीं करने देती, क्यों नहीं करने देती? जिस तरह मैंने देखा इस तरह कोई और देख ना ले, पसंद ना कर ले, तो देखे कलर का ज़माना है, कलर कर सकते हैं वो भी नौजवान बिल्कुल नज़र आ सकते हैं, पर मैं करने ही नहीं देती उनको। अच्छा, मैंने सुना है, बल्कि हमने तो कई मूवीज़ में भी देखा है कि जब नया नया प्यार होता है, नया नया इश्क होता है, नई नई मोहब्बत होती है, रातों को नींद उड़ जाती है, आपकी भी उड़ी थी? नहीं, नींद वगैरह तो नहीं उड़ी थी, वो जो अम्मी के ज़माने के हैं ना लोग, उनकी नींदें उड़ जाया करती थी, क्यों, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं होता था तो वो नींदें ही जाती थी, लेकिन हम लोग तो रابطہ कर लेते थे, एक साल लगा बस हमें ना शादी को, तो वो भी घर वालों को मनाने में पापड़ बेले बहुत ज़्यादा, तो फिर हमारी शादी हुई। सर अब आप तो वैसे ही माशाल्लाह बड़े जोली इंसान हैं, तो जब बंदे को इश्क हो तो फिर बंदा शेर व शायरी ना सुनाए, बंदा गाने ना गुनगुनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो खान साहब आप कौन से भाभी को गाने सुनाया करते थे फ़ोन के ऊपर, गलियों में टहलते हुए, दरख्तों के नीचे जाके, बागों में जाके? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा
जब से लेके अब तक मुझे एक ही गाना याद आता है, और मैं अक्सर इनको गुनगुना के सुनाता भी हूँ। मुझे मेरी आवाज़ खास इतनी अच्छी नहीं है गाने के अंदर, ना, 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 अगर किसी आज आपको इजाज़त है हम बर्दाश्त करेंगे, आप सुनाएं। मैं आपसे इजाज़त ही लेना चाह रहा था, बर्दाश्त कर लीजिएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, भाभी शर्मा रही हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, दूध लेके आओ तुम्हें पिलाएं हम। इधर मुझे एक सवाल याद आया कि दूध आप इनसे फ्री लिया करती थी या पैसों से? नहीं, पैसे ही देते थे, लेकिन ये है कि जाहिर है दूध खालिस मिलता था। जो हमारे साथ हमारे रिश्तेदार थे वो कहते हैं दूध बड़ा पतला है और हमारे घर बहुत खालिस आता था, तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है। इस तरह भी मुझे हिंट मिला कि ये मुझे पसंद करते हैं, हमारे घर में जो खालिस दूध आता है। अब आप देखिएगा दूध कितना जम रहा है, ये आगे ऊपर करेंगे। हाय हाय, ये देखिए कि ये दूध भी दही बनता जा रहा है, ये इतना खालिस है। हमारे कमरे में पानी की जगह जग में दूध होता है, ये इतना था। अब ये कितना हो गया देखें आप। तो ये सर आपने पिया? दोनों ने। आप हमारी सेहतों से अंदाजा लगा सकते हैं, ये दोनों ने। चले जी, अल्लाह करे इनका ये प्यार, इनके ये मोहब्बत, ये सारा कुछ ऐसे ही सलामत रहे। आप कुछ सुनाती होंगी इनको? मैं बस टूटा फूटा ही है कि ये नाराज होते हैं तो रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना दूसरी पे मान जाते हैं। वाह वाह वाह, ये भी मोहब्बत का अंदाज है, मनाने का अंदाज। अच्छा सर, खाने पीने में जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हो तो आप क्या फरमाइश करके बनाते हैं? मुझे तो इनकी हाथ की बनी हुई अगर सलाद भी दे देंगी ना ये, तो वो भी मैं बिस्मिल्लाह करके खाता हूँ। आप तो सर मतलब घुटनों से भी ज़्यादा डूब चुके हैं ना उनकी मोहब्बत में, बल्कि आप घुटने ऊपर ले गए हैं, आप काफ़ी ऊपर ले गए, उससे भी नीचे आए ये उस लेवल पे। असल में मोहब्बत जो है ना, बस मैं बता नहीं सकता, मुझे इनसे मोहब्बत कम और जुनून ज़्यादा है। मैं अपनी इतनी केयर नहीं करता जितनी मैं इनकी करता हूँ, और इसी बात को लेके इनके वालदैन बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड हैं कि हमने सही जगह पे मेरी बेटी ने इंतखाब किया था, तो बंदा सही है। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं, कि ये जो मोहब्बत की शादी होती है ये कितनी कामयाब होती है? ये कामयाब जब ही होती है जब आप एक दूसरे के साथ जो है सच्चे हों, और यह कि निकाह को आम करें, और शादी हमारी तो इसी तरह हुई कि अल्लाह ताला ने बरकत डाली कि हमने निकाह किया, और निकाह के लिए ही जो भी हमने किया, मतलब भूख हड़ताल की कुछ भी, तो वो निकाह के लिए किया कि शादी कर ले, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जोड़े बन के आते हैं, इसमें हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं होता। तो ये है कि मैं सबको कहूँगी कि मोहब्बत की शादी करें, नहीं मानते घर वाले तो मेरी तरह भूख हड़ताल करें, मतलब किसी भी तरह करके अपने घर वालों को मना लें। वैसे भी जो वालदैन होते हैं ये हो ही नहीं सकता कि वो अपनी औलाद की बात ना माने, बजाय इसके कि आप कोई और कदम उठाएं जिससे आपकी आपके घर वालों की बदनामी हो। तो आपने, मैंने सुना है कि एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने मुझे काफ़ी ग्रूम किया है, मैं मतलब गुड लुकिंग तो पहले ही था, अब मैं अपनी क्या तारीफ करूं आपके सामने। आप ये भाभी की मोहब्बत में तारीफ कर रहे हैं या उनसे डर के कर रहे हैं? नहीं नहीं, उनकी मोहब्बत में कर रहा हूं, डरता तो हर बंदा अपनी बीवी से। ये मैं उनकी मोहब्बत में कर रहा हूं। तो हमने अब इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना अपना ये काम जो है ये इसको फ़िलहाल किसी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें, ठेके पे दे दें, और आप ये काम ना करें। तो अब उसको, अब हमारी ज़्यादातर जो है वो रुझान और हमारा इंटरेस्ट वो है यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने चैनल का नाम है, हमारे चैनल का नाम है मुनज़्ज़ा खुर्रम लाइफ। तो मैं आपके तवस्सुल से, आपकी ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, तो और आपसे भी कहूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट करें। आप लोगों ने इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। ये खान साहब उसके ऊपर आपको सारे टोटके बताएंगे कि असली नकली दूध की क्या पहचान है, दूध जलती क्यों जम जाता है या फिर जमता क्यों नहीं है। भाभी आपको दही बनाने के तरीके बताएंगी। इसके अलावा बड़ी मज़े की ये लोग बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि कितने ये खुश अखलाक लोग हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये तो आपने सही कहा कि सिखाएंगे, इससे ज़्यादा कि बेगम को किस तरह खुश रखा जाता है। सबसे इन्होंने बड़ी और अच्छी बात ये किया। तो आप लोगों ने इनके चैनल को बहुत ज़्यादा
सपोर्ट करना है, इनकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है, उनको आगे फैलाना है ताकि इनका ये जो चैनल है ये जल्दी जल्दी ग्रूम हो। आपको वाकई इनके चैनल को विज़िट करके बड़ा मज़ा आएगा। जो लोग मतलब इतने थोड़े टाइम में इतना आपको खुश कर सकते हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अपने चैनल के ऊपर ये आप लोगों के लिए क्या क्या करते होंगे। तो इनके चैनल का हम लिंक भी दे देंगे अपने इस डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देनी है और इन लोगों को आपने अपनी दुआओं में याद रखना कि अल्लाह करे इनका ये मोहब्बत दिन रात बढ़ती रहे और इनका जो चैनल है वो कामयाब हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।